खुजनेर से सारंगपुर रोड की दूरी 35 किलोमीटर दूर है। यह मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 3 से जिला मुख्यालय राजगढ़ को जोड़ने वाला सबसे पुराना मार्ग है। इसी विधानसभा सारंगपुर में वर्तमान सांसद बीजेपी से हैं, वहीं सारंगपुर क्षेत्र के विधायक भी भाजपा के हैं। इस मार्ग पर जनपद पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके तथा कांग्रेस के विधायक भी इसी मार्ग पर से विधानसभा पहुंचते हैं। यानी कि इस रोड को सबसे ज्यादा चलने वाला रोड कहा जा सकता है। इसी रोड से होकर लोग उज्जैन, इंदौर और गुजरात महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचकर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली उन जगहों की यात्रा करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने तथा बस में मौजूद यात्रियों ने बताया कि बारिश की हालत में बीमारों को शहर सहारनपुर, इंदौर, उज्जैन या जिला मुख्यालय राजगढ़ अस्पताल ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि से, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से कई मर्तबा बात की, लेकिन अभी तक रोड की सुधार से कोई आसार नजर नहीं आती। वहीं इस रोड से गुजरने वाले वाहन भी अब वाहन मालिकों ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक बस रोड पर चलती है जो खुजनेर सारंगपुर चार चक्कर लगाती है। वाहन चालक का कहना है, इस दूरी को हम 2.5 घंटे में तय करते हैं। अगर रोड बन जाए तो 40 से 45 मिनट में वाहन को खुजनेर से सारंगपुर से खुजनेर आसानी के साथ चलाया जा सकता है। नागरिकों की तथा वाहन मालिकों की मांग है कि जिले का सबसे पुराना मार्ग खुजनेर टू सारंगपुर को नए सिरे से बनाया जाए, ताकि नागरिकों को पिछले कई सालों से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिले। भारती न्यूज की। यहाँ पहले आधा घंटे में पहुँच जाते थे हम सारंगपुर, और अभी 1.5 घंटा लगता है, और बहुत परेशानी, रोड बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। अच्छा, कितना पुराना रोड है ये बता सकते हैं? तो वर्षों पुराना है, मतलब नहीं, करीब 20-25-30-35 साल पुराना। कितना पुराना रोड है? हाँ, लगभग 35। तो इस रोड को कितनी मरतबा बनाया गया जब से रोड बना है तब से? एक बार डामर है, उसके बाद में डामर नहीं होता। अच्छा, इसका पेच वर्क वगैरह कुछ होता है? पेच वर्क तो होता है, धूल वो मिट्टी वगैरह से हो जाता है। अच्छा, जबकि शासन और प्रशासन ये कहते हैं कि हम लगातार जो है जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, तो आपके जो रोड के हालात लगातार चर्चाओं में रहते हैं, अखबारों में, टीवी में या अन्य जगहों पर। हाँ। तो आप लोग जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या कहना है उनका, क्षेत्रीय विधायक जी का, सांसद जी का या प्रभारी मंत्री का? बात हुई थी जी, उन्होंने बताया कि प्रोपोजल बना के भेज दिया है। हाँ। और अतिशीघ्र काम चल जाएगा, और कुछ काम वाम कुछ भी नहीं है। आपकी आखिरी मर्तबा जनप्रतिनिधियों से कब बात हुई थी या अधिकारियों से? एक महापुर हुई थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने क्या आपको? इस बजट में ले लिया है, यूँ है। हाँ सर, दामंदा से खुजनेर रोड जो है वो भी काफ़ी ख़राब है, और दामंदा से गुलावता मऊ जो सारंगपुर जाने का रास्ता है तहसील से मुख्यालय का, वो रास्ता भी ख़राब है। करीबन 15 वर्षों से ये रास्ता जैसा है वैसा का वैसा ही है, थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद वापस वो रास्ता गड्ढे में बदल जाता है। हम सबको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने शासन स्तर पर भी सभी तरह से, गांव वालों ने सबने मिलकर शिकायत की, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी निदान नहीं हुआ। अभी आखिरी मर्तबा आपकी या तो जनप्रतिनिधियों से या फिर आला अधिकारी से कोई बात हुई? लगभग विगत में एक साल से खुद फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अधिकतर डालता रहता हूँ उसमें, और सांसद विधायक से किससे भी अगर बात करने के बाद भी कम से कम 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हो गए होंगे, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई भी सड़क के बारे में जानकारी नहीं दी गई। क्या प्रभारी मंत्री से कोई बात हुई आपकी यहाँ के? प्रभारी मंत्री से नहीं हुई थी। अब अगर ये रोड काम नहीं चलता है, चूँकि गर्मी के बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, तो रोड की कोई स्थिति तो नहीं है कि यहाँ पर वाहन चल सकते हैं? यहाँ से लोगों को उज्जैन भी जाना पड़ता है इलाज के लिए, महाविद्यालय सारंगपुर जाना पड़ता है, दूसरा महाविद्यालय जिला मुख्यालय यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप किस तरीके से जो है इस भयावह स्थिति से निपटते हैं? अब अगर रोड की हालत ऐसी रही हो तो आप खुद ही सोचो जाने आने में कितनी परेशानी आती है, कैसे जाते हैं। अच्छा, कितना तकलीफ होती है, आसानी होती है आपको बस चलाने में? हाँ, अच्छा, अगर ये रोड बन जाए तो कितने दूरी में आप जो है आसानी से बस को जो है सारंगपुर या खुजनेर पहुँचा सकते हैं? आधा घंटे का समय लगेगा। हमारे साथ कुछ नागरिक भी मौजूद है। जी सर, बताएं, आप इस वक्त बस के अंदर मौजूद हैं जी, बताएं इस रोड के बारे में। रोड के बारे में क्या बताएं, इसमें रोड डेली को टूट फाट डेली होती है, और डेली यहाँ परेशानी आती है आने जाने के लिए, कोई कहाँ खड़ा, कोई कहाँ गाड़ी खड़ी है, परेशान में अच्छी परेशानी आ रही की नहीं जा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।